कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का आज 40वां और अहम दिन है। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों की सरकार के साथ 8वें राउंड की बातचीत चल रही है। मीटिंग में सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश मौजूद हैं। इस दौरान उन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी। बेनामी संपत्ति केस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से आयकर विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। इस मामले में आयकर विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस भेजा था, लेकिन वह आयकर दफ्तर नहीं पहुंचे। इसके बाद अफसर सीधे रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर पहुंच गए और उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। उन्होंने नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लैब, नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य की शुरुआत भी की। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध आंदोलन के बीच जियो के मोबाइल टावर टारगेट किए जा रहे हैं। इसमें रिलायंस और अडानी के प्रोडक्ट्स का विरोध किया जा रहा है। नतीजतन पंजाब में रिलायंस जियो के 1500 से अधिक टावर तोड़े जा चुके हैं। इस पर अब कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। एक बार फिर भारतीय यूजर्स के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के डेटा चोरी की खबरें आ रही हैं। साइबर सुरक्षा मामलों के साइबर सिक्योरिटी रिसर्च राजशेखर राजहरिया ने दावा किया है कि देश के करीब 100 मिलियन क्रेडिट और डेबिट कार्ड धारकों के डेटा डार्क वेब पर बेचे जा रहे हैं। चीन के सबसे अमीर लोगों में शामिल जैक मा के बारे में संदेह जताया जा रहा है कि वे गायब हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने चीन की सरकारी एजेंसियों के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए थे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक जैक मा करीब 2 महीने से किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देखे गए हैं। कश्मीर के ज्यादातर इलाके में रविवार को भारी बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने हिमाचल में सोमवार और मंगलवार को बर्फीला तूफान उठने का अलर्ट जारी किया है। रविवार को राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा। जयपुर समेत 14 जिलों में सोमवार को भी बारिश होने और ओले गिरने के आसार हैं। जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा ने सोमवार को कहा कि इस साल टोक्यो ओलंपिक निश्चित रूप से होगा। टोक्यो ओलंपिक पिछले साल 24 जुलाई से 9 अगस्त तक होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे 1 साल के लिए टाल दिया गया था। देश में कोरोना के टीके के आपात उपयोग की मंजूरी में निवेशकों में उत्साह रहा। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुए। ये उच्चतम स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स 307 अंकों पर 48,176 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 114 अंक की बढ़त के साथ 14,132 पर बंद हुआ।